भाई नहीं, कुछ हाउस होल्ड वर्क होता है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ये जो हैबिट है दैट शुड बी इनकल्केटेड इन वन सेल्फ, अपने अंदर इसको डेवलप करना है एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर लर्नर्स, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट योर जूनियर्स, जो भी आगे कर रहे हैं प्लीज आस्क देम टू एसेस देमसेल्फ प्रॉपर्ली। आप उनको बताएं कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग क्या क्या हैपनिंग्स होंगे, ऑल दोज हैपनिंग्स आर टू बी रिटन, और उसका एक डायरी राइटिंग क्यों होता है। कुछ लोगों के डेली हैबिट में होता है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग क्या होता है, हम एवरी डे जो भी चीज कर रहे हैं हमें पता चलता है कि हमने क्या किया, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ठीक है। क्लासरूम के बाद भी आपने टेकिंग 6 पीरियड 5 पीरियड्स, आप जब घर जाए तो आप ये रियलाइज करें कि आप जब स्कूल गए और वहां से पीरियड कंप्लीट करने के बाद आप जब घर को लौटे हैं तो इन वॉट एक्सटेंट यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ प्रॉपर, आपने कितना ऑनेस्टली आपने किस तरह से उसको डिलीवर किया, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या होगा कि लर्निंग मिलेगा, आज के जो फ्लॉज रह गए, कुछ प्रॉब्लम्स रह गए, तो नेक्स्ट डे आप उसको इम्प्रूव करेंगे। सुबह जी देन यू बात ट्राई योर बेस्ट, सुबह जी हम को डेवलप कर लीजिए, बात रिलेशनशिप खुद को हैंडल करने के साथ साथ हम क्या करते हैं उसके बाद जब है ना, कहावत है कि हम अपने आंखों के सहमी को नहीं देखते और दूसरे काम के तरीके पर हमारा ज्यादा ध्यान होता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप को भी हम मेंटेन करें, यदि हम खुद अच्छे हैं तो हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, एक दूसरे के साथ हमारी जो एडाप्टेशन होगी तो एडजस्ट करने का हमारा कैपेसिटी और दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट लाइन सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ एक्सक्यूजन। नेक्स्ट नाउ प्लीज स्टैंड अप एवरीबॉडी, सभी लोग अपने अपने सीट पर खड़े हो जाए। कंफर्टेबली एकदम पूरा बॉडी को फ्री करिए, खड़े हो जाइए, आपको जैसे भी लग रहा है एकदम कंफर्टेबल है आप खड़े हो जाएंगे। तो विजुअलाइज करना है, याद करना है, अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले 10 दिन पहले आपके स्टाफ रूम में, क्लास रूम में, स्कूल कैंपस में कोई ऐसा इवेंट जिसने आपको ट्रिगर कर दिया, ठीक है, जिसने आपको इमोशनल कर दिया, यू हैव टू रिमाइंड, ठीक है। विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू रिमाइंड दैट सिचुएशन एंड आफ्टर 2 मिनट्स यू विल सिट एट योर चेयर एंड देयर आफ्टर यू हैव टू राइट डाउन इन द नोट पैड, आपको अपने नोट पैड में लिखना है, बिकॉज जब हम लोग कुछ एक्टिविटी कराएंगे इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो सकता है, यू विल हैव टू स्पीक अबाउट दैट इवेंट फ्रॉम स्टेज। Okay, please sit down. Please sit down. ठीक है, अब आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, उसको आप अपने नोट पैड में लिख डालिए। नेक्स्ट स्लाइड आपको एक ही ऐसे सिचुएशन को लिखने हैं, एक ही इमोशन को विजुअलाइज करते हैं और उसको अभी नोट पैड पर लिख डालते हैं 1 मिनट के अंदर।
टाइम इज ओवर, आफ्टर लंच एक्टिविटीज होंगे तो आपको यहाँ आने हैं, ठीक है। आपका सेशन होगा बिफोर लंच, हम लोग सारे स्लाइड्स अदर थिंग्स को हम लोग डिलीवर करेंगे, आफ्टर लंच आपको रेडी रहेंगे, आपका कुछ राउंड प्ले होगा, ठीक है, और ग्रुप एक्टिविटीज होगा सारे आफ्टर लंच होंगे, ठीक है। आपका असेसमेंट एंड ऑल नेक्स्ट, तो इमोशंस रिलेटेड चीजें हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, एक बार मैं इसका पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था एलन मास्क का, ठीक है, एलन मास्क अवेयर है सब लोग, राइट। बहुत सारे टाइकून है, बिजनेस टाइकून है, तो हम लोग काफी पैनिक हो गए। क्या हो गया भाई, AI एजुकेशन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, तो टीचर्स कहाँ होगा, वेयर विल बी द टीचर्स, वी आर नॉट इक्विप्ड। और कोविड में हम लोगों ने जो देखा, टीचर्स से बड़ी है ना वो टीचर्स कम्युनिटी है, इसकी जो दुर्दशा हुई है इससे बेकार दुर्दशा और किसी कम्युनिटी का नहीं था, राइट। तो बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को छोड़कर भूल भी गए, यदि टीचर्स प्रोफेशन को छोड़ने लगेगा देन वी विल एजुकेट द सोसाइटी, हमें पेशेंसफुल होना है। अभी आप लोग देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल का भी डेली अपडेट मिलता होगा, डेली बुलेटिन में आप लोग पढ़ते होंगे, कितनी यातनाएं सर है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, टाइम टाइम को लेकर उनके जो वर्किंग स्टाइल्स हैं बहुत सारे बोर्ड हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइसेज बिकॉज दे आर द सिविलाइज्ड, दे आर द सिविलाइज्ड क्रिएचर्स ऑफ दिस प्लैनेट। हमारे अंदर वो टॉलरेंस है, कितनी क्रुएल्टी के बावजूद भी इनमें नहीं है, इमोशनलेस नहीं है। यदि नॉन टॉलरेंट हो जाएगा ये प्रोफेशन, तो टीचर्स क्या कहते हैं, कहा जाता है टीचिंग प्रोफेशन और मेडिकल प्रोफेशन, यदि डॉक्टर को टीचर्स को उसकी अगर मेंटल स्टेबिलिटी को किसी ने यदि ब्लड ब्लड कर दिया तो क्या हो जाएगा, टीचर पता चलेगा अच्छे सिटीजन बनाने के बदले टेररिस्ट बनाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। टीचर्स का आते के साथ मूड बिगड़ गया, इट मीन दिन भर का स्टडी क्या होगा, प्रिंसिपल साहब को पता भी नहीं चलेगा, मैनेजमेंट को पता भी नहीं चलेगा टीचर ने आज दिन भर कैसे टाइम पास करके चला गया, दिन सुबह में मूड बिगड़ गया, क्यों आ रहा है प्रिंसिपल साहब इज टू सिटिंग इन माय सेल, हमने इस सिचुएशन को रेडी किया है। लेकिन होता है जो स्कूल लीडर होते हैं उनके पास भी प्रेशर होता है, मैनेजमेंट का प्रेशर, हर तरह का प्रेशर होता है, बट हमें यह सोचना है कि जब हम अपने आप को प्रिंसिपल के रोल में रखते हैं तो हमें कितना खेलना है, प्रिंसिपल को कितना खेलना होता है, आपको बच्चे और आप बच्चों के साथ आपको जुड़ना है, प्रिंसिपल के साथ जुड़ना है, लेकिन एक प्रिंसिपल को बच्चों के साथ जुड़ना है, पेरेंट्स के साथ जुड़ना है, मैनेजमेंट के साथ जुड़ना है, सीबीएसई के साथ जुड़ना है, ठीक है, आउटसाइडर्स के साथ जुड़ना है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं सबके साथ उनको जुड़ना है, तो हमें उस पर ध्यान ही देना, ठीक है, ठीक है। वो एक लीडर है, लीडर है तो लीडर क्या करते हैं, लीडर ऑलवेज क्या करते हैं, गाइड करते हैं, तो उसको समझकर आगे बढ़ना है। तो मैं कह रहा है कि दोनों ऐसा है कि उसके जो मेंटल स्टेबिलिटी उसको बिगाड़ना है, अपने आप को बिगाड़ना है, अपने आप को कोशिश करें, क्यों कहा गया ये मॉड्यूल डेवलप करने के पीछे बहुत सारा रीजन है। टीचर्स ऑलमोस्ट टीचर्स क्या होते हैं, पहले 12 मेंटेलिटी के, ठीक है, क्लास में लगता है बच्चों को सामना गुस्सा बच्चों को उतारना शुरू करें, ठीक है, आपको पिटाई पर भी ध्यान लग गया है, पीटना भी नहीं है, आप स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपके आपके लिए एक एरिया बन गया, उसी एरिया में आपको रहना है, आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है, स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, किसी तरह की मॉकरी नहीं करनी है, ठीक है,
बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जहाँ से बच्चों पर तो बच्चा मोटा है तो उसने एक फोन पास कर दिया है किस जल्दी गाना खा रहा है, इज इट गुड? दुबला पतला एकदम लैंगी है, अरे सूखा जा रहा है, कभी भी इन सभी तरह के सेंटेंस का यूज नहीं करता। बिकॉज चिल्ड्रन आर सेंसिटिव, हर छोटी छोटी बात खास करके प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स भी कंसर्स हैं और स्टूडेंट्स आर टू सेंसिटिव, उन सारी चीजों को बैठकर डिस्कशन करना है घर पे, ठीक है? नेक्स्ट डे पेरेंट पहुंच गए, भाई आपने हमारे बच्चे को ऐसे क्यों कहा? तो जो रेस्ट्रिक्शंस है रेस्ट्रिक्शंस को समझते हुए हमें काम करना है, अपने इमोशंस पे पूरी तरह से कंट्रोल होना है, एग्रेशन नहीं दिखाना, एग्रेशन में आके कोई काम नहीं करना, एकदम कूल रहना है अपने आप को, जो होगा देखा जाएगा क्या करना है। अभी बताइए कोविड में सबको लगना था ना कि अपने आप को पहले इस तरह से खाना खा ले, हो गया ज्यादा पैसे, एक बार अर्थक्वेक आया कोविड आया अड़पति खड़पति लोग यही सोच रहा था कि अपने आप को बचा ले, वही काफी है, पैसा कहाँ है, स्टेटस कहाँ है, उनके वेल्थ कहाँ है, उनसे कोई मतलब नहीं, सब अपने आप लाइफ के लिए वरी है। तो हमें ये देखना है ऑर्गेनाइज्ड में हम अपने वर्क के लिए कितना ऑर्गेनाइज्ड हमें होना है, वर्क के लिए हम क्लासरूम में जा रहे हैं, स्कूल में एंटर कर रहे हैं विद चेयरफुल माइंड विद चेयरफुल फेस, हमें क्लास में एंटर करना है और उसके बाद हमें क्या करना है जो पढ़वाना है बच्चों को चेयरफुल, क्योंकि हम क्लास में जैसे ही घुसते हमारे बड़ी एक रिफ्लेक्शन जाना चाहिए, जब रिफ्लेक्शन जाएगा तो रिचार्ज ऐसा लगे कि क्लास में जैसे ही इनके सारे बच्चे रिचार्ज हो गए, और रिचार्ज हुआ तो कुछ ऐसा मोनोटोनस चीज भी है उसके लिए आपको फिर संतान के साथ जाना होगा कि आप उस मोनोटोनी को कैसे रिमूव कर पाते हैं। तो जब उसके साथ पूरी तैयारी के साथ यदि आप जा रहे हैं, आप समझ लीजिए एवरी डे जब क्लास में जा रहा है 5 मिनट लेने जा रहा है, तो 5 मिनट आपके लिए 5 रणभूमि है, 5 क्लास 5 तरह की रणभूमि है, और उस रणभूमि में अपने आप को एक चैलेंजिंग पर्सन मानते हुए आप उसके लिए इतना हद तक प्रिपरेशन आपने किया है, नॉट एक्सपेक्ट यू आर रेडी टू कम बैक दैट सिचुएशन, यू मस्ट हैव गुड प्रिपरेशन, तभी आप उसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो फिर अभी देख रहे हैं सीबीएसई में चल रहा है, सफल चल रहा है, फिर नास चल रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी गवर्नमेंट स्कूल में क्या चल रहा है, टच क्लास, इतना मेहनत करने के बावजूद भी यदि आउटकम नहीं आ रहा है तो इस पर सोचने की जरूरत है, वेयर वी आर एंड पोस्ट कोविड क्या हो गया, जो हमारे बच्चे हैं वो डिफरेंट बच्चे हो गए, वो कन्फाइंड रहे 6 मंथ वो कन्फाइंड रहे, उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है, तो ऐसे बच्चों के बिहेवियर के साथ हमें डील करना है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेवलप कर रहा है, देन वी कैन टीच नेक्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम बैक करना चाहिए। आगे की तरफ या पीछे? पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेनियल गोलमैन, ऑथर ऑफ बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, कभी मौका लगे तो आप इस बुक के कुछ पन्नों को जरूर पढ़िएगा, ठीक है? वैसे हम सभी लोगों ने बीएड किया है, डीएलएड किया है, तो चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागॉजी तो हम लोगों ने पढ़ा है कि कितना सेंसिटिव वर्क है, खास करके स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन में हम क्या करते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रेन को एजुकेशन देते हैं, 4 साल 3 साल के बच्चे से स्टार्ट करते हैं और 18 साल तक के बच्चों के एजुकेशन देते हैं, वहाँ उसका फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, साइकोलॉजिकल चेंज होता है, इमोशनल चेंज होता है, बिहेवियरल चेंज होता है,
और इन सभी चेंज के बीच क्या करते हैं, हम वहां पर एडजस्टमेंट लेते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, इसके हर चेंज को देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट हमारा लुक क्या होता है, एज पर देयर चेंज हम उसको चेंज करते हैं एंड देन अपने आप को रेडी करते हैं उनको एजुकेट करने के लिए। टीचर्स एजुकेट करते हैं क्या, आर वी एजुकेटिंग? अरविंदो घोष ने कहा है, बहुत बड़े फिलोसफर है हमारे इंडिया के, गीता से उन्होंने एक्सपीरियंस लेकर लिखा है, नथिंग कैन बी टॉट, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, वी द टीचर्स आर हेयर फैसिलिटेटर, हम क्या है फैसिलिटेट करते हैं, बच्चा कितना सीखेगा ठीक है, कितना कंसीव करेगा आपके डिलीवरेंस को वो उस पर डिपेंड करता है, और आपके आपका जो फैसिलिटेटिंग लेवल है वो कितना हद तक एप्रोप्रिएट है उस पर डिपेंड करता है। क्लास में भी 45 बच्चे होते हैं तो क्या 45 बच्चे प्रॉपर आउटकम दे देते हैं, नहीं देते। सबका मेंटल अप्रोच अलग अलग है, लर्निंग लेवल अलग अलग है, सारे बच्चे का लर्निंग लेवल एक जैसा नहीं हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है। यहां भी क्या कर रहे हैं डेनियल गोलमैन, इन अ वेरी रियल सेंस वी हैव टू माइंड, वन दैट थिंक्स एंड अदर दैट थिंक्स, ठीक है, दो तरह के ब्रेन है हमारे, दो तरह का माइंड है, एक क्या कर रहा है थिंक करता है, दूसरा फील करता है। नेक्स्ट स्लाइड over to Rajesh sir, now he will be with you for next 30 minutes, after 12 I will be with you. Once again good afternoon to all of you. Let us begin our session with some conditional questions. चलिए कुछ conditional questions देखते हैं, और conditional questions में आप क्या करेंगे ये जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस टेबल का ख्याल रखेंगे जिन्होंने इंट्रो में पार्टिसिपेट नहीं कर सके। तो चलिए सर एक कंडीशन है आपके साथ कि क्लास चल रहा है और एकाएक दो बच्चे झगड़ा शुरू कर दिए, क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आलोक रंजन, बीजेपी टीचर ऑफ संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है सर, मेरे इसमें से नहीं करने वाले सर कि आप क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं लेकिन एक आए दो बच्चे उठे और झगड़ा करने लगे, दे आर फाइटिंग टू गेट, क्या करेंगे सर? सबसे पहले इन दोनों का बात सुनेंगे और उनके बाद जो जजमेंट होगा उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले उनकी बातें सुनेंगे, चलिए ठीक है, चलिए आप बता दीजिए सर। इधर ये सर आप बस सेम क्वेश्चन है आपके साथ, आप क्लास ले रहे हैं, दो बच्चे आए, दो बच्चे क्लास में एक आए थे फाइटिंग दे स्टार्ट कर दिए, व्हाट डू यू डू सर? सबसे पहले उसकी बातें सुनेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे दोनों बच्चा में गिल्टी कौन है, आखिर किनकी वजह से दोनों फाइटिंग कर रहा है, पहले उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद दोनों के बीच में ये देखेंगे किसने एक दूसरे को मारने की कोशिश किया है पहले। This will be your answer. Okay. Please pass it back to me. Yes, ma'am, from you. Many, you only. Everyone has to put it back. Main bata deta hoon. उनको रोकेंगे उसके बाद, ठीक है बस यही। क्या ये हमारा एक्शन सही है कि अगर दो बच्चे क्लासरूम में झगड़ा कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ इतना कर सकते हैं? क्या ये राइट सॉल्यूशन होगा? कहीं ना कहीं उन दोनों के बच्चे के मन में जरूर होगा कि मैं ही सामने वाला दोषी है, फिर आप क्या करेंगे? इस तरीके में एक समस्या उत्पन्न होगी, देयर विल बी प्रॉब्लम, that they will feel that they could not get the right justice, and the right justice
must be taken and must be given to each of the country. ऐसी स्थिति के लिए आपके सामने एस टी ओ पी पी लिखा हुआ है। ये एस टी ओ पी पी हमें कुछ फुल फॉर्म से हमें उस समय रुकना, सबसे पहले एस दैट इज स्टैंड फॉर स्टॉप, एस टी ओ पी पी द एस स्टैंड फॉर स्टॉप, उन्हें स्टॉप करेंगे, रोकेंगे। रोकने के बाद हमें यह समझना होगा कि व्हाट वाज द रीजन टू दिस टाइप ऑफ इवेंट, लेकिन हमें बहुत सावधानी पूर्वक एक्शन लेना होगा, कहीं किन्हीं को ये ना लगे कि वी आर वाइज, वी मस्ट टेक अप्रोप्रिएट स्टेप। और याद रहे हमें बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ काम करना होगा, उन्हें हम लोग जरूर एक स्टेप कहेंगे, एक शानदार और जोरदार सांसें लो। कई बार हमने देखा है कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे तो हम लोग उस समय एक जोर की सांसें लेते हैं या इस तरह की बातें करते। मेरे प्रैक्टिकल वीडियो आप देखें तो सचिन तेंदुलकर जब भी आता था क्रिकेट खेलने वो एक बार का स्टेटमेंट निकालता था और फिर खेलता था। एक सचिन तेंदुलकर मुझे याद आ गई एक घटना, एक बार हेनरी ओलंदा, आपने नाम सुना होगा, आप ऐसे कुछ जानते भी होंगे, जिम्बाब्वे का बहुत अच्छा उस समय का बॉलर हुआ करता था, जिम्बाब्वे हेनरी ओलंदा, ओलंदा कर्ली है, कर्ली क्या हम लोग तो दूसरे शब्दों में कहें जो कभी बाल नहीं झाड़ता हो वो झटका वाला है लोकल लैंग्वेज में। ऐसा का बंदा हुआ क्या कि मैच स्टार्ट हुआ है, उसने आया बोल्ड सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ क्रिकेट बोल्ड बाय हेनरी ओलंदा एंड ही बॉल आउट ऑफ जिम्बाब्वे। सेकंड बार भी क्या हुआ, उस सेकंड बार भी आया दूसरा बॉल पे सचिन बोल्ड, तीसरी बार जब मैच होने से पहले हेनरी ओलंदा बहुत खुश हुआ कि मैंने क्रिकेट के गॉड को आउट कर दिया, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, में डरा नहीं था, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ। सर आई डू एग्री विद दैट विराट कोहली बाबर आजम सब अच्छे कोई खराब नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर गॉड है, मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय आप इससे अलग हो सकते हैं, ये मेरा राय है। तो हुआ क्या कि हेनरी ओलंदा सामने उनके पास आता है, एक फोटो लेते हुए कहता है कि इस पे ऑटोग्राफ ऐसा है मुझे ऑटोग्राफ। सचिन तेंदुलकर ने वो लिया और उस पर लिखा यू विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, आप ये अपॉर्चुनिटी जिंदगी में दोबारा नहीं पाएंगे। और उसके अगले उसी सीरीज के अगले मैच में फोन हेनरी ओलंदा को सचिन ने धो डाला, मींस ही प्रैक्टिस ए लॉट इन दैट वेरी गैप व्हाट एवर वाज देयर एंड द प्रैक्टिस मेक्स हिम परफेक्ट। व्हाट आई मीन टू से कि हमें जब स्टॉप करना है उन्हें एक अच्छा ब्रेक लेने के लिए बोला जाए कि शानदार ब्रेक लो, उसके बाद हमें सोचना होगा कि रीजन क्या हो सकता है। और बी ए टीचर आई डोंट बिलीव कई बार दोनों में से कोई दोषी ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है और कई बार यह एक बड़ा रीजन बन जाता है कि वे स्टार्ट पाएंगे। सो हमें वहां पे सुनना होगा, सबसे पहले उन्हें रोकना होगा, उसके बाद हमें इन्हें कहना होगा कि जोरदार सांसें लीजिए और उसके बाद ऑब्जर्व करना होगा कि हुआ क्या। कई बार कुछ दोषी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दोषी ना हो, लेकिन हो सकता है कि दोष की निगाह हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। और जनरली वी फाउंड इन द क्लासरूम दैट वन द मेन रीजन ऑफ फाइट वर्ड्स इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, because no one is born enemy of anyone, no one is born enemy of anyone, they are cooperative। और पता है दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त ना वो स्कूल में ही बनता है, बाद में तो हम लोग दोस्त नहीं फ्रेंड नहीं कलीग कहलाते हैं, कलीग एंड फ्रेंड आर वेरी डिफरेंट, द फ्रेंड कैन हेल्प इन ईच थिंग बट कलीग कैन सपोर्ट इन द वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन। Okay, so the friendship comes in that school only. So we have to understand, we have to observe the right situations, and with the situation, we must take proper action. मैं एक बार और बता दूँ, पुराना जो रूल था वो चालू है, बात करने वाले गाना सुनाएंगे, कृपया जरूर बात करें ताकि हम गाना सुन सके आप सब से, कृपया जो बात नहीं करें कोशिश करें ताकि एक आप बीच में गाना सुना जाए। Then after that, next P is
स्टैंड फॉर पुल बैक। ये पुल बैक अपने आप को पीछे हटाने से नहीं है, ये पुल बैक रिलैक्स करने से है, क्योंकि कई बार हम भी मिसजज कर सकते हैं उस कंडीशन को, भली भांति नहीं समझ सकते उस कंडीशन को, भली भांति समझना उस कंडीशन को उसके स्थान पे रहकर समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम उस चीज को हम फील ना कर ले तब तक सही जजमेंट नहीं दे सकते। एंड वी आउट टू गिव द प्रॉपर एंड राइट जजमेंट सो दैट दे नेवर फील लेस इन इनजस्टिस विद दैम। नेक्स्ट लास्ट पी दैट स्टैंड फॉर प्रैक्टिस। व्हाट डज इट मीन द प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मींस वी मस्ट फील द सिचुएशन रिमेनिंग विद दैम, उनके साथ बैठ के हमें सिचुएशंस को फील करना चाहिए। एंड विद द फीलिंग we have to take proper and best decision so that they never will injustice among them, वो कभी भी injustice नहीं समझे अपने साथ। चलिए एक क्वेश्चन है आप सबों के लिए, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी अभी मैं बता दूं और उसके साथ क्वेश्चन करता हूं। आपने आर्यन टैगोर जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बेटे का नाम भी आर्यन टैगोर ही है, रविंद्र नहीं, रविंद्रनाथ समथिंग डिफरेंट लाइक का नेम आ गया, आर्यन टैगोर, इस सन इज आल्सो आर्यन टैगोर। व्हेन ही वाज इन इंटरव्यू, वो जब एक इंटरव्यू में थे तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उनसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर है 11th में, चैप्टर का नाम है एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड इट्स मेजरमेंट, जेने चैप्टर इन फिजिक्स। और कहा यह जाता है, देयर इज थ्योरी बिहाइंड दैट, दैट एनीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच एवर वी मेजर देयर इज अ एरर। जहां भी जैसे अगर हम मान लीजिए कि आलू लाने जाते हैं मार्केट में, आलू 5 किलो अगर हम लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट 5 किलो आलू नहीं मिलता, इस बीच हमें एक गाना सुनाने वाले मिल गए हैं, क्यों मैम? कोई बात नहीं, आप ही सुना लेंगे। अरे ये ताली बोलने बजा लेता हूँ नहीं कोई बात जो कर जाए शादी की गीत जो मर्जी जल्दी भाई मैम हो ही नहीं सकता, छोड़ नहीं सकते, चलिए खड़े हो जाइए, प्रार्थना गाइए स्कूल का, खड़े हो जाइए, खड़े खड़े दो लोग खड़े खड़े कोई फिर से ताली बजाने कर रही है, चलिए बाजू कोई बात प्रार्थना मैम, आप भी शुरू हो जाइए, एक एक चलिए चलिए प्रार्थना स्कूल का प्रार्थना बी गेट फॉर रेडी बोले मेरे से प्लीज मैम यू मस्ट, चलिए चलिए जल्दी टाइम स्पेंड मत कीजिए, जल्दी ये सो माय, चलिए जल्दी जल्दी नॉट स्पेंड टाइम करिए, जल्दी 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 कोई नहीं मैम, कविता भी चलेगा जल्दी से चुटकुला भी चलेगा, लेकिन सुनाइए जल्दी मैम, स्टैंडर्ड से जल्दी से जल्दी जल्दी मैम, टाइम नहीं है, वी आर नॉट सो मच सब्जेक्ट टाइम, जल्दी से अब लोग बच गए मैम, आपका कविता गाना चुटकुला व्हाटएवर वन, चलिए चलिए मैम चलिए मैम फिर से ताली बजवा क्या, जल्दी मैम मैम जल्दी, अरे कैन कैन मैम चलिए मैम सुना सकते हैं, चलिए ना कोई बात नहीं, जब भी अभी देख मैम प्रेजेंटर काम नहीं कर रहा प्रेजेंटर सिस्टम, कोई नहीं मैम जल्दी सर, अभी कैन डू एवरी डे, चलिए चलिए मैम जल्दी से टाइम स्पेंड मत कीजिए, ये टाइम बहुत कम है मैम, जल्दी से देखिए रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, ऐसा अच्छा भी नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी मैम, और हम टीचर हैं हमें प्रैंक होना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा, क्यों नहीं गाएंगे, बस क्या हो जाएगा, चलिए मैम प्लीज मैम थोड़ी ना अभी चलिए ठीक है सुनाइए, अपॉर्चुनिटी चैलेंज नाम से जो चलिए
मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग सर माय नेम इज रूपेश कुमार मंडल फ्रॉम संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल डेस्टिनेशन इज सीजीटी एंड देयर इज अ माइक टेलर नंबर 11 एंड माइक टेलर नेम इज ग्लोबल माइंड ओके देयर इज अ मोटिवेशनल लाइन व्हिच इज जो पानी में जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं जो पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए हो गई है फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए मेरे सीने मेरे सीने में ही सही लेकिन आग गई भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए थैंक यू सर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी सेकंड नॉट टू डू एंड व्हेनेवर इट कम्स वी मस्ट स्टे because sometimes when we feel that we are being insulted we are not insulting and rather we are becoming strong the conditions when we feel that ek baat bataiye ye chote bacche dekhte hain swimming karte dekhe kabhi aap videsh mein jaake ye dekhe 8 mahine ka bachcha hota hai na use swimming pool mein chhod diya jata hai dekhte hue aur wo behtar seekhta hai क्योंकि समस्या जब तक ना आए समाधान हो नहीं सकता सॉल्यूशन के नॉट बी अनटिल वी आर नॉट गेटिंग प्रॉब्लम सो प्रॉब्लम इज नॉट प्रॉब्लम रादर प्रॉब्लम इज सॉल्यूशन वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम वी हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस प्रॉब्लम कैन नॉट हैव अ सॉल्यूशन अनटिल इट इज बीइंग फेल्ड बाय यू अनटिल इट इज बीइंग जस्ट सफर्ड बाय यू एंड बाय सफरिंग दिस यू कैन हैव द बेस्ट सॉल्यूशन So we must face the problem. आपको पता है जब जिस चीज में सबसे ज्यादा डर लगे ना उसको सबसे ज्यादा फेस करना मुझे मालूम है अभी भी स्टेज में बुलाया जाए तो हम में से बैठे 50% का आदमी बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे और मैं सच बताऊं मैं भी कंफर्टेबल नहीं हुआ करता था लेकिन जिससे डर लगे उससे डरना नहीं उसको डराना और एक दिन वो डर आपसे भाग जाएगा वो दिन आपकी जीत हो चलिए मैं क्वेश्चन भी आता हूँ आगे ड्राइवर से क्वेश्चन पूछा गया उससे पहले मैं बताता एरर एंड मेजरमेंट कि जब मैं अगर 5 किलो भी आलू मिलता हूं तो आप जान लें वो 5 किलो एग्जैक्ट नहीं होता कुछ कम कुछ ज्यादा दिस इज नॉट एग्जैक्टली 5 किलोग्राम मीन्स अगर हम मेजरमेंट किलोग्राम में कर रहे हैं तो एरर होगा ग्राम में मीन्स देयर इज एरर वेयर देयर इज मेजरमेंट देयर इज एरर देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच इज एरर फ्री कुछ भी नहीं है एरर फ्री दुनिया में कुछ भी नहीं है जो एरर फ्री है आर एन डायगो जब एक इंटरव्यू में थे तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था एक पेन उन्हें दिखाया गया इस प्रकार का एवरीवन प्लीज इसे देखिए एवरीवन प्लीज वॉच दिस एक पेन दिखाया गया ऐसे एवरीवन इन खोल ले ध्यान रह ले उन्हें दिखाया गया एक पेन और उनसे पूछा गया व्हाट इज परफेक्ट लेंथ ऑफ दिस पेन You have to say without error in its measurement. क्वेश्चन में फिर से बोलो What is perfect length of this pen? You have to say without any error in its measurement. इस पेन का परफेक्ट लेंथ क्या होगा आपको बताना है इसके मेजरमेंट में कोई एरर ना हो एंड यू नो दैट वेयर देयर इज मेजरमेंट There is error. जहां मेजरमेंट है वहां error. मैं देख रहा हूँ कुछ टीचर बहुत अच्छे से हाथ खा लेकिन मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो जवाब ना दे क्योंकि वो मेरा सेशन एक बार कर चुके हैं सो बी ऑनेस्ट ईमानदार बनिएगा जिन्होंने भी सेशन मेरा पहले कर रखा है वो हाथ नहीं उठाएंगे
चाहिए और ईमानदारी से वही आंसर है जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन सुने हैं। फर्स्ट टाइम आप सर बोल चुके हैं पता नहीं है, कोई नहीं आंसर लिख लीजिए। और कोई, और कोई, चलिए भाई किसी और से जानते हैं। छोटे में बताएंगे सर आप कर चुके सेशन, आप सेशन कर चुके हैं यस सर, और इधर आप भी कर चुके हैं। आंसर है, आंसर है, इधर आंसर है, आंसर है, आंसर है। चलिए आपने किया है सर, आपने भी किया था सर, आपने किया सर, आपने मैम यस, जिन्होंने सेशन नहीं किया है इसका आंसर है आप उठाइए प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव नॉट डन द सेशन। वही आदमी आंसर है मैंने सेशन नहीं किया है। थैंक यू, बगल वाले मदद नहीं करेंगे ठीक है, बदल वाले मदद किए ईमानदार बनिए, देखिए बोले बदल वाले वेरी गुड, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। चलिए इनकी एक भी गैंड होनी चाहिए ईमानदारी में उन्होंने बताया। चलिए तुमने वो बताइए जिन्होंने स्टेशन नहीं किया है मेरा आंसर अब इस क्वेश्चन सर ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे सर, सर आप अच्छा आप ट्राई करेंगे। हाँ ये पेन का लेंथ क्या है और इसके मेजरमेंट में कोई एरर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी एनी एरर इन इट्स मेजरमेंट। सॉरी सर ये आंसर है। एनीवन मोर, एनीवन एल्स, कोई और, कोई और, कोई और कोशिश तो करेंगे सर। सर गलती होगा क्यों नहीं, क्या होगा गलतियां जो हमें सिखाती है कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए हमें खुद वहां पर रखना पड़ेगा बड़े उसको मेजर करना। हमारा कॉम्पेरिजन डिस्टेंस में तो हमेशा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर डेसीमीटर हेक्टामीटर ये सब का होता ही है, तो अगर ऑब्वियसली अगर मीनिंग तो मीनिंग साथ है सो उस हिसाब से आप बता सकते हैं इसका क्या हुआ। और इफ इट इज नॉट व्हाट कैन बी द यूनिट्स ऑफ दिस का जो आप आंसर ही होगा लेकिन मैं आप बताऊं देयर इज आंसर, इसका आंसर है। एनीवन एल्स विल ट्राई, कोई और कोशिश करेंगे, कोई और सर आप, सर आप अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर, एनीवन एल्स कोई और 5 सेंटीमीटर। अब एक और मैं देता काइंडली पार्टिसिपेट मुझे अच्छे से करें और ध्यान रखें कि उन्होंने पहले इसका आंसर नहीं दिया वो कोशिश करें, कोशिश करना अच्छी बात है। अरे क्या होगा सफलता मिलने से, सफलता मिलने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि हम लॉस करते हैं। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहली बार में पूरी तरह सफल हो गया, चाहे वो आइंस्टीन की बात करें, बताओ आइंस्टीन की स्टोरी। आइंस्टीन जब बहुत छोटे थे 4-5 साल के हो गए थे जब बच्चों को बोलना चाहिए था वो नहीं बोलते, उनके माता पिता हमेशा वो सिखा देते बेटा कोशिश करो, बोलते ही नहीं चुप रहा करते थे, शांति से बना खड़ा करते थे। फिर क्या हुआ एक बार वो सूप पी रहे, सूप पीने के दरमियान उन्होंने सूप उठा पीने की कोशिश की, सूप बहुत गर्म था, उन्होंने उसे उसी समय गिराने का इट्स अ वेरी हॉट, इट्स अ वेरी हॉट, परंतु उनकी माता पिता बहुत खुश हुए, उनका नाम गुजर गया फिर भी माता पिता दुखी नहीं थे, खुश इसलिए थी उनका बेटा कोशिश किया। और तब उनकी माता ने उनसे पूछा क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा अपनी दे दी है, सो आई वाज नॉट स्पीकिंग अब तक चलो भी नहीं मिला हमारा एक कप बोले बोलना चाहिए था प्रॉब्लम कम्स दैट वी हैव द प्रॉब्लम। तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने से वो काम नहीं लेकिन दूसरा काम हो सकता है। सो लेट अस ट्राई यू नेयर कोई और इधर से, हाँ सर अगर हम उसका लेंथ ही अप्रोक्सीमेट में गलत है तो जो एरर आएगा वो जब आएगा जैसे कि हम लोग बोले कि अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर तो आप ठीक है। और कोई और सर इस टेबल से आप लोगों का आंसर आशीर्वाद अगर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 6 इंच।
चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। थैंक यू सो मच सर कक्षा। एक्चुअली ट्राइंग मेक्स अस परफेक्ट, ट्राइंग के बिना हम लोग सफल नहीं हो सकते, कोशिश करना चाहिए। और ऐसे प्रश्नों का एक आंसर नहीं, कई आंसर है। There will be many answers of such questions and each of them will be right. अब मैं बताता हूँ, it is just twice of its half. अब एरर निकालिए, find out the error. It is just twice of its half. It is not just twice, rather it is three times of one third. It is three times of one third. Find out the error. It is four times of one fourth. Right sir, it is 4 times of its quarter. Okay, it is 5 times of its 1 fifth. It is half of its double. It's a half of its double, right sir? So there are many answers of this and there is no error in its measurement. It was the answer of English. So we have to try for the questions and trying makes us perfect. We must be excited. We must make a very good understanding among the children, among the students. क्योंकि कई बार हम मानव हैं, we teachers are human. We commit mistake many time in our classroom. And committing mistake is not wrong. Committing mistake कोई गलत नहीं है. आपने सुना होगा one top एक बहुत बड़े chemist रहे हैं. और the boys are father of chemistry, modern chemistry. तो एक बार की बात है कि वॉन्डॉर्फ बहुत कोशिश कर रहे थे बेंजीन के संदर्भ में जानने का, बेंजीन C6H6 उसका एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में बहुत कोशिश कर रहे थे जानने का, परंतु जान नहीं पा रहे थे। एक केकुली थे, केकुली स्ट्रक्चर, वो सारे बहुत ट्राई कर रहे थे व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6, क्योंकि उनका जो थ्योरी वो थे वो निश्चित रूप से प्रैक्टिकली मैच करें तभी वो सही होगा, तो अंतोदत्ता वो दे नहीं पा रहे वायु कि स्टूडेंट ऑफ द वाइजर इक्वली वॉन्ट ऑफ ये सारे एक लैब में थे। लैब में रहने के दरमियान क्या हुआ कि वो सोच रहे थे और कई दिनों तक सो ना पाए, और जब सो ना पाए तो क्या किया उन्होंने लैब में सोते नींदा, जब नींद आ गई तो किसी प्रकार से घटना घटी से लैब में आ गए, लैब में आ करने से पूरा लैब चल गया, वो किसी तरह ये दोनों अपनी जान बचा के निकल पाए, लेकिन उस समय के लाखों का लैब चल के राख हो गया। जब चल के राख हो गया तो सारे सब समस्याओं से उलझ के बहुत बहुत बुरा हो गया। अब लैब वाइजर आएंगे तो क्या होगा, लैब वाइजर आएंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को कुछ ना कुछ तो कोसेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे और कुछ ना कुछ समस्याएं तो होने वाली है। परंतु जब लैब वाइजर आए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं आपने ट्राई किया ना, और ट्राई किया तो ट्राई करने में हारने में क्या है, कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। लूजिंग अप योर ट्राइंग इज ओके, बट नॉट ट्राइंग इज वन ऑफ द ग्रेट लॉस दैट कैन नेवर बी अचीव्ड सक्सेस। सो वी मे लॉस विद द ट्राइंग इन द पार्ट ऑफ सक्सेस, मेक अ सच रिलेशन विद द कैंडिडेट दैट दे कैन टेल यू, they can make you understand and they understand you if they have committed, if you have committed any mistake in the class. Class में अगर आपसे कोई गलती हुई तो वो समझ सके और फिर आपके साथ शेयर कर सके। आदमी कोई नहीं ऐसा है, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो रामानुजन हो, चाहे वशिष्ठ नारायण हो, जो गलती ना की हो। मैंने जितना नाम अभी आपको ये पता है कोई भी सारे सब्जेक्ट के ज्ञाता नहीं है। जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई थी ना तो उन्होंने क्या कहा था, मृत्यु के पहले उन्होंने क्या कहा था कि मैं समुद्र के किनारे रहते हुए एक ड्रॉप में उलझा रह गया, समुद्र के किनारे रहते एक ड्रॉप में उलझा रह गया, क्योंकि उन्होंने जो सर्च किया था वो फिजिक्स के बारे में किया था, कुछ बातें केमिस्ट्री में किया था, परंतु वो बायो नहीं पढ़ पाया, बोले मैं अपने बारे में ही नहीं जान सका और दूसरों के लिए जगह ढूंढ रहा था। So we must try everywhere, each feature of life, and trying never give us failure. आप इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन, हमारे अंबानी नाम सुने हो, ट्राई किए और ट्राई करते हुए आज वो विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से थे और भारत के वो नंबर वन, आप जानते हैं। बिल गेट्स आपने नाम सुना है, बिल गेट्स, मुझे बिल गेट्स की एक स्टोरी याद आ गई। एक बार की बात है कि बिल गेट्स एक इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में उनसे पूछा गया सर आपके सक्सेस का राज क्या
पर सक्सेस, क्योंकि आप हर बार एक अच्छा डोनेशन दे देते हैं। वो देखोगे हमारे बिहार में उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, बहुत बड़ी उनकी एनजीओ चलती है और हमारे बिहार में कोसी से प्रभावित जगह खगड़िया है जी भी उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और जितने भी वो गरीब तबके के व्यक्ति होते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो एक बार टीवी पे उनका इंटरव्यू चल रहा था, देवा इंटरव्यू बाई मानंद टेलीविजन, एंड रिपोर्टर आस्क्ड टू हिम, सर व्हाट इज रीजन ऑफ योर सक्सेस ऑल्दो यू जस्ट अचीव 50% ऑफ योर वेल्थ टू द पुअर्स एंड टू द नीडी वन, व्हाट इज रीजन दैट इज स्टिल यू आर बिकमिंग अगेन एंड अगेन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एंड द टॉप 50 यू आर ऑलवेज देयर। तो उन्होंने क्या कहा कि प्लीज डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू मी, ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछिए। तो ये बात जो रिपोर्टर थे उन्हें बहुत अथक गई कि क्यों नहीं पूछे। रिपोर्टर थे भाई मेरा काम है क्वेश्चन पूछने का, मैं तो पूछूंगा। और वो लगे नहीं आई नहीं विद योर आंसर। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए आप, एक ब्लैंक चेक उन्होंने निकाला और उसको सिग्नेचर कर दिया, बोला कि आप रख लीजिए और मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछिए। अब रिपोर्टर जो थे उन्हें बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे से पैसे देकर क्वेश्चन रोका जा रहा है। बोला नो ना दे चला आई विल नॉट लिसन दिस अक्रॉस, यू हैव टू रिप्लाई द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन दैट हाउ यू आर सो मच लर्निंग, हाउ व्हाट यू डू एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ यू। उन्होंने ये कहा कि सर मैं आपको 5 मिनट टाइम देता हूँ, ने कहा मिनट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछिए। लेकिन ये बात उनको नगावार गुजर गई, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि यार क्या क्यों क्यों ना पूछू, मैं तो पूछू ना, मेरा काम है पूछना, मैं जर्नलिस्ट हूँ रिपोर्टर हूँ और टीवी पे लाइव चल रहा है, मुझे तो पूछने बस बताइए मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी। उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया 5 मिनट आई एम गिविंग यू, और उस 5 मिनट में रिपोर्टर न्यूज रिपोर्टर बहुत गुस्सा रहे थे, बहुत उन्हें गुस्सा थी, ओवर ट्राइंग ऑफ द बिहेवियर इन दिस फॉर्म बट वेल गेट्स हाउ कैन ही डेयर टू डू दिस लुकिंग एट ऑन द लाइव चैनल, हाउ कैन ही डू दिस, सो ही बिकम वेरी एंग्री। 5 मिनट बीता और 5 मिनट बीतते ही उन्होंने चेक किया और चेक को फाड़ के फेंक दिया। और फिर से रिपोर्टर ने पूछा, व्हाट इज रीजन बिहाइंड योर सक्सेस, आई नीड द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन, मुझे इसका जवाब चाहिए ही चाहिए इंडिया। तो उन्होंने कहा अगर मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती ना तो मैं उसे जाने नहीं देता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स द डोर। आई नो कि मैं भी एक एनजीओ चला रहा हूं लेकिन मैं अपने अनुसार चला रहा हूं, अगर आपको ये चांस मिले आप ये सारा पैसा ले लेते उस समय और आप अपने अनुसार बेहतर कर सकते थे। मैं जो भी हूँ अपने देश के पहले करूँगा फिर आपके देश के करूँगा, यानी मैं अपने अनुसार बेहतर करूँगा ना। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को पूरा लीजिए और उसे परफॉर्म कीजिए, और यही मेरे सफलता का एट आई नेवर लेट गो द अपॉर्चुनिटी व्हाटएवर कम्स टू मी। सो आई डू इट Whenever the opportunity comes, please take it. Over to sir. So, till now you have listened, practiced. Now it's your work. Understanding relationships inside staff room and classroom. आपको क्या करना है? अभी chart paper आपके लिए जाएंगे. Every table, half of the chart paper will be provided along with sketch pens. आपको situation को रिमाइंड करना है, आपके स्टाफ रूम में जब आप बैठे होते हैं तो किस तरह के सिचुएशन फॉर्म होते हैं, एटलीस्ट 5 सिचुएशन आर टू बी मेंशन्ड इन द, उसमें आप जितने भी ग्रुप हैं उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, हाउ मेनी टेबल्स आर देयर, थोड़ा सा सर कुछ वॉलंटियर्स यहाँ आ जाए और टेबल्स को थोड़ा सा इधर ऑर्डर कीजिए, आप ले लीजिए शिफ्ट कर लीजिए, सटाइए।
चार्ट शीट पर वहां पे क्या चलते हैं उसके स्क्रीन को आपको
ठीक है, वहाँ जो भी सीन आपको देखने को मिलता है, वहाँ जो सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन को लिखना है। टेबल नंबर 8 से 14 तक के जो है पार्टिसिपेंट, उनको क्या करना है, क्लासरूम का सिचुएशन लिखना है। 5 सिचुएशन आपको लिखने हैं। सिचुएशन लिखकर उसके बाद फिर यहाँ आपको ऑन स्टेज आपको बताने हैं। पूरा टीम आएंगे, इसमें से 2-4 टीम को अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन देना, ठीक है। थैंक यू। 10 मिनट का टाइम है, प्लीज गो अहेड। टेबल नंबर 1 से लोग आए, स्टाफ रूम का ये सिचुएशन बना हुआ है कि हमारे स्टाफ रूम में भले ही यहाँ पे ग्रुप बताइए, ग्रुप ठीक है, ग्रुप का स्पेशल लिख दिया सबसे पहले स्टाफ रूम में जो सिचुएशन रहता है, टीचर्स जो है वो ग्रेडिंग पेपर यानी कि ग्रेड करते रहते हैं, पेपर्स को चेक करते रहते हैं, एग्जाम का जो पेपर है उसके बाद प्रिपेयरिंग लेसन प्लान, वो वहाँ पर बैठ के लेसन प्लान भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्कसिंग स्कूल रिलेटेड मैटर्स जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, मेनली हम लोग सैलरी का डिस्कशन उसमें करते रहते हैं। उसके अलावा जैसे स्पेस फॉर रिलैक्सेशन ड्यूरिंग ब्रेक, वहाँ पे स्टाफ रूम में टीचर रिलैक्स भी कर सकते हैं जब ब्रेक होता है उस टाइम में, या उसके अलावा जब उनका डीजल पीरियड होता है उस टाइम में भी वहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं। टीचिंग टीचर शेयरिंग स्टोरीज, कोई भी टीचर है वहाँ पर अपना जब डिस्कशन करते रहता है तो उस टाइम में वो अपना स्टोरी जो है वो एक दूसरे का साझा कर सकते हैं, करते रहते हैं। इन्वाइट ए कप ऑफ कॉफ़ी, कई बार स्टाफ रूम में कॉफ़ी या टी का भी उसको लेकर भी हम लोग इन्वाइट करते हैं कॉफ़ी और टी को भी। प्लानिंग फॉर अपकमिंग इवेंट्स लाइक टीचर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, फेयरवेल एंड मेनी अदर जो इवेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। जो टीचर्स होते हैं, चाहे हम हो या कोई अदर टीचर हो, इन सब सभी मैटर्स पे जो स्टाफ रूम है उसके अंदर में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। फ्रॉम क्लासरूम टॉपिक से कोई भी नाजन वॉलेंटरी आइए।
नेम सक्षम टॉपिक फाइव मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर इन द क्लासरूम फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एडजस्टमेंट सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी आती है कि नई नई टेक्नोलॉजी या तकनीक जब ऐड किया जाता है हमारे स्टडी में तो उसे सीखने के लिए पहले हम खुद सक्षम पहले नहीं रहते हैं लेकिन उसे हमें सीखना पड़ता है जैसे कोरोना टाइम में हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपेयर होना पड़ा था और उसमें हम फिर सक्षम भी हुए हैं और सेकेंड है मल्टीटास्किंग जब ये क्लास में हम इंटरटेन हैं तो हमारे पास एक तरह के कार्य नहीं होते हैं पढ़ाने से लेकर बच्चों के शांत करने से लेकर संस्कार देने तक सभी तरह के एक्टिविटी ऐड किए जाते हैं तभी हमारा एक संपूर्ण क्लास कंप्लीट हो जाता है थर्ड नंबर है क्लासरूम मैनेजमेंट हमें अपने पढ़ाने के क्रम में अपने क्लास को भी पूरा देखना होता है कि हमारा क्लास पूरी तरह से शांत और सही तरीके से चल रहा है या नहीं फोर्थ नंबर है टाइम मैनेजमेंट हमें अपने पढ़ाने के क्रम में अपने एरिया को कंप्लीट करना होता है कभी भी हम पढ़ाने में अपने एरिया से बाहर अपने टॉपिक से बाहर जाकर अपने टाइम को समय को खत्म न करें अपने टॉपिक के एरिया को पकड़ते हुए अपने पाठ को खत्म करें फाइव नंबर है टीचिंग मेथोलॉजी तो हमें अपने पढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पढ़ाई बच्चों को वैसे देना चाहिए जैसे कि बच्चे को समझ में आए हमें आसान से आसान भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो वो हमसे जो चाहते हैं वो उसे वो हम पूरी तरह से दे पाए थैंक यू टेबल नंबर एक एंड नेक्स्ट ग्रुप मतलब अभी जो स्टाफ रूम से जो पॉइंट उभर कर आए उस पॉइंट से अलग चिंता हो ग्रुप आए अभी तो टेबल नंबर पॉइंट दिया है मतलब कॉमन 20% होगा तो चलेगा ज्यादा कॉमन होगा तो इस ग्रुप को नहीं आना अगेन गुड आफ्टरनून ये कुछ हमारे शिक्षक कक्ष यानी टीचर मॉड्यूल के बारे में यहाँ पर लिखा है कुछ चीज़ें एक दो चीज़ कॉमन है सर ने कहा कि जो कुछ एक फ्रेंड मतलब बता रहे कुछ चीज़ कॉमन है जैसे पहला मैंने लिखा है कि शिक्षक कक्ष में सभी शिक्षक अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं जैसे फ्रेंड टॉपिक चेक करना सबका अपना अपना टेबल कुर्सी लगी है हम लोग एक शिक्षक कक्ष में हम लोग सभी लोग आपस में काम करते रहते हैं छात्रों का टॉपिक चेक करना फ्रेंड चेक करना होती रहती है इसके अलावा कभी कभी वर्क से संबंधित वाद विवाद करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी हमें जो वर्ग कक्ष में खासकर क्लासरूम में जो हम कुछ फेस करते हैं आपस में हम लोग वाद विवाद करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सके इसका बात कर लेंगे तीसरा है कभी कभी संयोग बस और मजाक बस आपसी खींचातानी होती है जो कभी कभी आपसी मतभेद में बदल जाता है एक कभी कभी रेयर कैटर रियलाइज होता है कभी कभी होता है जो किसी पर कॉमेंट पास कर रहा है हालांकि हम लोगों को अलाव नहीं है हमारे खासकर संस्कार प्राप्त विरोध नीति अलाव नहीं है फिर भी रेयर एंड रियलिस्ट आदमी होने के नाते ह्यूमन राइट हो जाता है निकल जाते हैं आपसी खींचातानी से अपन से बात ही बात हो जाती है कभी कभी फोर्थ पॉइंट है हमारे शिक्षक कक्ष में दूरभाष यंत्र लगी है ये थोड़ा सा मजाक किया है लेकिन हमारे शिक्षक कक्ष में दूरभाष यंत्र लगी है और जब बीच में कभी कभी घंटी बजती है प्रॉक्सी क्लास के लिए रेयर केस में तो कोई फोन रिसीव करना नहीं चाहता है कि शायद ट्यूटर सर बोलते हैं कि आपको जाना है क्लासरूम में हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं कौन फोन रिसीव करेगा ये होता है बराबर होता है कक्ष में और खासकर पांचवा की जब प्रचार महोदय शिक्षक कक्ष के बाहर घूमते हुए दिख जाते हैं तब उस समय शिक्षक गण के चेहरे देखने योग्य होते हैं। Yeah.
और लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट, हम लोग प्राय एक दूसरे से संवाद करते हैं और समस्या एक दूसरे के घरेलू समस्या जानने का जब कोशिश करते हैं तो शादी शुदा दुखी लोग अपनी समस्या बताने से कतराते हैं। ओके बिल्डर, मतलब मीडिया मार्केट छन के आई क्या चल रहा होता है स्टाफ यूजुअली ऐसा होता रहता है। चलिए आप क्लास रूम से वो एक रूम आइए तो बिल्कुल डिफरेंट रूम में जो पहले का रूम था उससे डिफरेंट क्लास वन क्लास रूम देन स्टाफ रूम अभी क्लास रूम का बाड़ी है देन क्लास ये स्टाफ रूम है स्टाफ रूम में लेट करेंगे। Our group name is Vaikun Sanskaryas and several other things. Our members say, Mr. Alokaranjan, Ms. Rehaja, Ms. Pasandreya, Mr. Niraj Kumar Jha, and me, Yogesh Kumar Jha. Classroom में जो सीखोगे ना सीखी करने में यहाँ पे सीखने के जरूरी है एक फैक्ट वाले सिंपल बैठोगे अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्लास के बच्चे क्या करते हैं जो उनके फ्रेंड्स हैं दोस्त हैं उनके साथ बैठ करके और आराम से अपना यस सर ये सब नहीं करते जैसे कि यहाँ पे मुझे पहले हो रहा था एक क्लास में बैठे हैं तो सबसे सीटिंग अरेंजमेंट को सही करना है नहीं तो जो दोस्त हैं एक दूसरे दोस्त के पास बैठ जाएंगे और क्लास रूम को डिस्टर्ब करेंगे। एक फिर क्या है इंटरेक्टिव स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टॉपिक को जरूरी सुनते हैं उनके टीचर से पूछते हैं ये कैसे होगा ये कैसे होगा ये कैसे होगा और कुछ जो होते हैं आराम से बैठे हैं और केवल यस सर समझ गए यस सर तो केवल तो कुछ ऐसे नहीं कि हमेशा बिल्कुल आराम साथ से बैठे कुछ लोग उसको पूछते हैं फिर क्या है कि खुद सैलेंट स्टूडेंट्स तो हम लोगों का एक जिम्मेदारी है कि जो सैलेंट जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं है ना और सॉरी फॉर दिस कि हम लोग भी खुद सैलेंट को भाई आपने एक प्रोड्यूसर दीजिए उन्होंने भी खुद सैलेंट कल बोलना भी चाह रहे थे सिंगिंग के लिए बोल रहे थे बोलना भी चाह रहे थे नहीं कर रहे थे तो कहने का मतलब कि वैसे जो सैलेंट स्टूडेंट जो है उनको भी आगे तो कैसे उसको बोलना सीखना है कैसे उसको बोलना है कैसे वे पढ़ाई उसे कंसंट्रेट करें इसको भी ध्यान रखना है। कुछ क्या होते हैं डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में अपना टीचर पढ़ा रहे हैं एक और अजीब सी आवाज निकाल के या कोई फनी कमेंट पास करके और कुछ क्षण के लिए क्लास में क्या होती है क्या फनी कमेंट पास कर दिया अब दो मिनट के लिए क्लास में सारे बच्चे एंजॉय करने हंस रहे हैं जो पढ़ने वाले को उनका ध्यान टूट गया अब पढ़ाने का जो स्पीड था या जिस वजह से उसको क्या उसको रुक रुक के आना है सत्तावन ज्यादा पढ़ाने का स्पीड क्या हो गया मेरा कम हो गया तो इस तरह से क्लास में डैमेज होती है। फिर क्या है सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्ट बॉडी क्लास को कंट्रोल करने के लिए ये सही है कि वो स्टूडेंट ही है जो मॉनिटर्स है लेकिन मॉनिटर जो है उनके सेल्फ डिसिप्लिन होंगे जब वो खुद डिसिप्लिन होंगे तभी अगर दूसरे बच्चों को बोलेंगे कि शांत से बैठो या ऐसे मत करो बोलेंगे खुद करता ही नहीं हमको बोल रहा है खुद क्लास में चिल्ला रहा है हमको बोल रहा है खुद क्लास में हंस रहा है हमको बोल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ना तो कम से कम इन मॉनिटर जो होते हैं ना ये अलग बात है वो स्टूडेंट ही है थोड़ा सा करेंगे लेकिन उसे डिसिप्लिन और ऑनेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे कुछ फिगर बन रहे हैं जो हमेशा बात बात में बिल्कुल हंस के ना बिल्कुल काम यहाँ पे करेंगे कुछ ऐसे होते हैं हमेशा हमको झुका भी बढ़ जाएंगे कुछ भी बोलते कुछ होते हैं नोटी कुछ भी बोले तरह से होता है सर अब एक बार मैंने पढ़ाया ये जामिया वाला बाग में क्योंकि स्कूल पढ़ा था सर अब वहाँ पे खड़े थे क्या लोग कुछ होते हैं अच्छे स्टूडेंट जो बात को ध्यान से सुनते हैं और कुछ होते हैं ऑलवेज ध्यान हमेशा किसी भी बात में हमेशा मुंह से रोते हुए कुछ भी कर ले बस अभी मजाक भी कर ले तो बच्चा फिर तो रोना था। थैंक यू आप हमें स्टाफ रूम क्या बात है और ग्रुप सर रेडी अच्छा लग रहा है
सबके सब रेडी। टेबल नंबर टू पीएचडी बोर्ड जनरली बातों को कर दिया गया है, लेकिन मैं उस बातों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जिसको सभी छुपा रहे हैं। जनरली क्या होता है, सब ग्रुप है, सभी एक दूसरे की जुगलबंदी करते हैं। अभी एक टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, टीचर प्लीज, टीचर प्लीज सुनिए। वो कहेंगे जानते हैं वो सर कैसे करते हैं, रूटीन में जब चेक करने लगते हैं, क्लास में जब चेक करते हैं तो उसका देख रहे हैं 21 क्लियर किया है पूरे वीक में, मेरा 31 दुश्मनी है, ये एक जुगलबंदी चलते रहता है। और जब लेडीज अस्टार्टमेंट में कभी कभार चले जाते हैं तो वो कहते हैं क्या जानते हैं, आज रात में ना मेरा रूम ऑनर जो है मैंने कर दिया, अच्छा सा परेशान हो गया था, मतलब उसमें ये तरह तरह की बिना बनाए तो नहीं बनती है। इसके बाद राजीव सर फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अमन निरंजन फ्रॉम संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल फुलकास्ट।
आई टीच मैथ्स एंड साइंस अप टू क्लास 10 I am discussing how to control classroom. First of all, we have to use, we will use kind words and actions. First of all, we will celebrate our difference. When someone children like, they will, अगर कोई बच्चा अपने से अलग मेथड से बताता है उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए. अगर उसका मैटर जो है वो इफेक्टिव है तो उस चीज़ों को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को. थर्ड पॉइंट इज वी विल लिसन टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर. मतलब सबसे पहले बच्चे के बारे में सुनिए, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चे को आखिर किस कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टीज आ रही है. अगर वो बच्चा उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए क्वेश्चन, यू शुड डिस्क्राइब टॉपिक लाइक इन मैथमेटिक्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल, यू शुड डिस्कस अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. नेक्स्ट वर्क एज ए टीम. मतलब हम लोगों को एज ए टीम मेंबर काम करना चाहिए. हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हम लोगों को एक मोटो होना चाहिए कि हम लोग जो बच्चे को डील कर रहे हैं मतलब कि क्रिएट ग्लोबल सोल और ग्लोबल फ्यूचर माइंड. मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बच्चे के बारे में हमें जितना बेहतर ढंग से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं उसके हिसाब से डील करना चाहिए. थैंक यू सर. भाई दो चीज कभी मत भूलिए, आपके जो भी कलीग आ रहे हैं जो भी ग्रुप आ रहे हैं अप्रिशिएट करिए. जो भी जैसा भी है अप्रिशिएशन से कभी छूटना नहीं चाहिए. कंप्लीट अप्रिशिएशन देते हैं विद टू राउंड्स ऑफ अप्लॉज. ठीक है, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए. स्टाफ रूम नंबर यस टेबल नंबर प्लीज कम अप कम अप.
सर योर टॉपिक वाज व्हाट व्हाट वी वांट व्हाट वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द क्लास उन लोग क्लास में सारे सिचुएशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फाइव सिचुएशन हु आई ऑन ड्यूरिंग क्लास. फर्स्ट सिचुएशन सम स्टूडेंट वांटिंग फॉर देयर फिजिकली इन क्लास नॉट मैं हम लोग कहीं पाते हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ फिजिकली पढ़ नहीं सकते मेंटली पढ़ लेते हैं. वो कहते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कुछ वर्ड देखते हैं थ्री प्लस इक्वल टू एट. बच्चे का यहाँ पे सब्जेक्ट है और हमने उसको थ्री को मिटा दिया पूरा यहाँ पे क्या लिखा था वो बच्चे नहीं पढ़ पाते. इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि बच्चे फिजिकली तो क्लास में प्रेजेंट है लेकिन मेंटली वो दूसरे जगह उसका मैं पहला सिचुएशन आज ड्यूरिंग क्लास हो स्टूडेंट पर एक वाली फिजिकली बच्चे तीसरा सिचुएशन स्टूडेंट वर नॉट अटेंटिव एंड एनर्जेटिक इन लास्ट पीरियड. हमने ये भी पॉइंट किया है कि लास्ट पीरियड में बच्चे को पहले पीरियड में जितने एनर्जेटिक और अटेंटिव थे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. नाउ फ्रॉम द स्टाफ रूम function of a class staff room. First, a place to work. Staff room में हम सभी वो वर्क करते हैं जैसे बच्चे का होमवर्क की कॉपी चेक करते हैं. उसके अलावा अपनी जो लेसन प्लान होती है उसको मेंशन करते हैं. उसके बाद जो है कि इफ द प्लेस वेयर टीचर्स लॉबी बिफोर क्लास आफ्टर क्लास एंड बिटवीन. उसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि ज़्यादा क्लास में जाने से पहले क्या करना है कौन सी स्टोरी कराना है कनेक्टेड तो प्रिपेयर करके हम लोग जाते हैं. इसलिए थैंक यू. नाउ फ्रॉम क्लासरूम तो कितने ग्रुप्स का प्रेजेंटेशन रह गया प्लीज. इस ग्रुप सेवन नंबर इलेवन नाइन टेन सिक्स ओनली थ्री ग्रुप्स नो आज टेबल नंबर सेवन. स्टार्ट होना नाइन्टी सेकेंड्स ओनली प्लीज टाइम टू हैव. गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एवरीवन.